बर्गुड टू सी यार, आप बहुत ही प्यारे लोग हो, बस चेक कर लो मैं ऑडियंस किस तरह। अरे सर आप तो बॉडी यार ये चाहिए मुझे बस। डोले आपके जितने आपके डोले उतनी मेरी थाई बैठती है। मैम आपके ये क्या है, आपके बाउंसर बिल्डर, आप सेलिब्रिटी फिल्म एक्टर सोनम बाजवा, अय हाय कुछ तो वो तो नहीं फियॉन्स फ्यो मैन। मैम आपको ये पसंद आया, इस बॉडी में पसंद आई आपको इनकी? उस टाइम जब पसंद थे तो बॉडी में। तो फिर आपने खुंदक क्यों बनाई है? फियॉन्स से कब बने आप इनके? तीन साल तीन साल से फियॉन्स ही रह रहे हैं आप। जॉब में भी इंक्रीमेंट हो जाती है पता है आपको, एजुकेटिव सीनियर एजुकेटिव बन जाता है वो भी नहीं। आप प्रमोशन हो चुकी है। क्या बने हुए आप? सीनियर फियॉन्स से। इट्स ओके ब्रदर, इससे पहले कि आपका डोला मेरे बॉडी में डेंट करे। तीन साल लग गए इसको, तो तीन साल से फियॉन्स से बोल रहे हैं वो। अब फ्योन से बने हो? ओ पहले क्या थे, प्यून? ओला ड्राइवर? क्या रहे, क्या क्या रह चुके आप ड्राइवर? ओ बस 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 बस, नहीं 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 कुछ नहीं देखा हमने, किसी ने कुछ नहीं देखा। अरे मजाक कर रहा है मैम, सीरियस क्यों हो रहे हो आप इतना? अरे हाँ मैम दिल से बता रहा, आपको गुस्सा ज्यादा आता है वैसे अंदर से है ना वो? बहुत नहीं, एक्चुअली मुझे खुद डर लग रहा है आपसे। अरे आप सीरियस मत हो मैम, थोड़ा चिल बिल करो, ऐसे हम फैमिली बातें करते हैं। ट्राइंग ट्राइंग, वेरी गुड, टेक अ डीप ब्रेथ, से आई लव माय फियांसे 200 times, यस 10-12,000, ये करते रहो बस आप, ये बस बिल्कुल, एक बार भी भटकोगे तो दोबारा करना पड़ेगा। नहीं अच्छा मैम अच्छा, पर कहाँ मिले आपको ये ऐसे ही जैसे? फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, ओ माय गॉड, तो आपने एकदम लॉन्ग मतलब रिश्ता है फ्रेंड के फ्रेंड। अब वो फ्रेंड नहीं रही होगी आपकी? अभी भी है? ओके मतलब फिर तो अच्छा रिश्ता है। दोस्तों रिश्ते में तकलीफें तो काफी आती हैं। नहीं आपका, आप दोनों कपल कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो मना कर दूंगा, आपके मन में उसके मन में नहीं है, चलता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। एवरी सेकेंड इंजीनियर्स लाइफ इज द सेम, कोई बात नहीं, आपने टी शर्ट पे लिखा BTS, ये तो है आपकी। आप दोनों प्यारी फ्रेंड्स लग रहे हैं बस, कलीग्स, ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, व्हाट अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दिस, कलीग्स, लेट्स पिच अबाउट अवर बॉस, कुत्ता है वो। पर आप किस कंपनी में, आईटी में, इंजीनियरिंग? आईटी इंजीनियरिंग, आप सब लोग कितने लोग इंजीनियर हैं, जस्ट रेज योर हैंड, इंजीनियर्स इंजीनियर्स इंजीनियर्स, अरे बेहतरीन, कोई बीमारी नहीं है ये। हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप खुद देख लो अपने आसपास डेटा देख लो, जितनी भी पनवाड़ी की दुकान है, ठेके हैं, जिम है, कौन चला रहे हैं? इंजीनियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं ब्रदर, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, अच्छा कर रहे हैं। और बता दूं बीकॉम से काफी अच्छा कर रहे हैं। एनीबडी हु लेफ्ट डन बीकॉम हियर, बीकॉम बीकॉम बीकॉम, कोई दिक्कत नहीं, आपने बीकॉम करी, आपने तीनों ने बीकॉम इकट्ठे, तीनों करियर इकट्ठे बर्बाद। तुम तीनों वो लड़के जो स्कूटी भी नहीं बैठते, तीन लड़के जिसके बारे में हर कोई कहता है मरेंगे। नहीं बीकॉम, सिर्फ बीकॉम नहीं करी, हाँ मैम बीकॉम कभी कोई नीट नहीं करता, उसके साथ फॉल पीको, पेटीकोट ब्लाउज बनाना सब सीखते हैं लोग, सीए कर रहे हैं, हाँ वो कहते हैं लोग, पर सीए लालबत्ती से यूटर्न लेके जब चली जाती है, भगवान करे आपकी वजह सीए में कौन सा अटेम्प्ट पहुंच गए, लास्ट अटेम्प्ट, ऑल द बेस्ट। आपको लगता है बीकॉम एक वीकेंड कोर्स है जिसको स्ट्रेच करके इन्होंने तीन साल बर्बाद किए आपके? बीकॉम में कुछ नहीं है भाई, बीकॉम में कमेक्शन जॉब कहाँ लगती है, बीपीओ में। सही बता रहा हूं, आपने कभी 4:30 बजे जब बिल्कुल मंद नींद में नहीं होते, अचानक से कॉल, मैं मुकेश बात कर रहा हूं बोला फोन से, आपके लिए सिम ले कर रहा हूं मैं, 1.5 हज़ार रिचार्ज में अनलिमिटेड टॉक टाइम आ रहा है। उस आवाज में है बीकॉम और खालीपन, ठीक है तो वो बीकॉम नहीं करेगा। आप बेस्ट हो मैम, इस आदमी को डर इतना है ना कि जिस बात पे वो औरत हंस रही उसी पे हंस रहा है वो।
वो इशारे करती है हाँ, 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 उसने हाथ पकड़ ले, कह रही बहन इतना तो कंट्रोल मत कर मुझे, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक आपके गले में चेन चमक रही है सर, इस अंधेरे में आप छुपा लिया आपने, क्या इतना बुरा हूं मैं माँ? मैंने बोला चेन छुपा ली ऐसे ऐसे, सर दिख रही है चमक, अंधेरे में चमक रही है आपकी चेन बिल्कुल, ये तो नहीं बनवाई है या पॉलिश करवाई है? नहीं तो दोनों में से क्या चुराई है? अच्छी लग रही सर चेन, बहुत अच्छी लग रही, मजाक नहीं कर रहा, अगर आप यहाँ खड़े होके रोड मोड़ दो तो मैं अपनी उतार के दे दूंगा आपको कि आपकी बनती है मतलब। पर क्या करते सर आप पैसे वसूलों के अलावा? बुरे लोग हो तुम लोग यार। सर बता रहे क्या बोल रहे? हाँ वो भी वसूली नहीं होता है वहां पे भी। सर और आपके साथ ये भी, आप भी सर उसी में ही है? No. Oh my God. Your accent is so sexy. सुना था आपने? I'm an engineer. प्रभु जी आपके साथ आपके भैया हैं? बाल खोल दिए। ओ माय गॉड, पर ये कहां से एक्सेंट पकड़ा आपने? इस जीरकपुर से तो नहीं आ रहा एक्सेंट, ये बताओ। हम खुदाई करते करते बीच में से आप निकले हो कि हाँ भाई एक्सेंट आया यहां से निकलता हुआ। सर पहले से एक्सेंट तो है? मैंने पीटीसी कब लगा लिया? अभी आप आराम से बात करते, पीटीसी पे आ गए। मैं थोड़ा भाई साहब बोल रहा। अरे प्यारे इंसान हो सर आप भी, आप दोनों मैम, आप दोनों, अरे ब्यूटीफुल, दैट्स, आप हस्बैंड हो भाई? निब्बा निब्बी की शादी हो रही है अब? यू आर टू यंग मैन। सर आप बहुत यंग लग रहे हो, या तो मतलब डिल्यूजन है। 26 और आप मैम? वो देख, वो देख, वो देख, उसी उसकी जवान हमारी उम्र की लड़की शादी हो गई, हम रील बना रही हैं ऐसे बना रही हैं। मैं आपके साथ ही हूं। 23 और कितना टाइम होगा शादी को आपके? 2 months. ओ माय गॉड, पक्के होने वाले हो 3 महीने में आप? मुबारक। पर इतना जल्दी मतलब, इफ मैं आस्क यू, क्यों करी आपने इतनी जल्दी शादी? मतलब इज इट रीजन कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलना था? क्योंकि जो सबर का फल है वो देख रहा हूं सड़ी रहा है। अरे आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा मैं, है मेरे मुंह से निकल गई। पर मैम आपको क्या चीज अच्छी लगती है इस इंसान के बारे में? जैसे मैं देख कर रहा हूँ बहुत बाल, दाढ़ी बिल्कुल प्रॉपर ट्रे, मेरे मुंह पे डब्ल्यू बना हुआ दाढ़ी का, प्रॉपर दाढ़ी है, डोले वोले हैं, जींस वींस बूट पहने हुए, मतलब क्या चीज आपको अच्छी लगती है इनके बारे में, अट्रैक्ट करती है? ये तो एक पर्सनैलिटी है, उसके अलावा डिप्लोमेटिक नहीं, ये नहीं कि मिक्स वेज ले आओ, प्रॉपर सब्जी बताओ कि कौन सी पसंद है आपको, कि किडनी बीन्स ये जो भी है। हाँ वाइब मैच कर, वाइब तेरी मेरी मिलती है, वो दिलजीत दोसांझ ने उसी पे लिखा होगा आपको देख के। अरे मैम यही उतरना मैच कर, अच्छा करो मैम, अच्छा करो, बट ठीक। और आपको क्या अच्छा लगता है मैम का क्वालिटी? डरे रहना, डरा नहीं रहना, हिम्मत करो, बॉडी का फायदा क्या जो तुम याद रखना, बॉडी देख के लड़ाई नहीं होती, मानसिक लड़ाई होती है ये, दुश्मन हल्का हो सकता है पर वो तुम्हारे दिमाग पे हावी है, जिससे तुम्हारी बॉडी बॉडी भी काम नहीं कर पा रही। क्या क्या मैं कोशिश कर रहा हूं, क्या क्या सिखाया? चलो बताओ एक चीज क्या सिखाई है आपको जो बहुत बड़े सिखाई है? डू एंड डोंट्स, वो तो वॉशरूम पे लिखे होते हैं। मैम कितने सालों की शादी हुई आप दोनों की? 37 एंड स्टिल काउंटिंग। वाओ सर बहुत अच्छा लगा आपको देख के, मैं पीछे देख पा रहा था आपको। मेरा एक सवाल है, 37 साल शादी आपने चलाई है, मैं मान पा रहा हूँ, मतलब मैडम ने तो कंट्रीब्यूट किया ही होगा कि ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, आप चलते रहे उस ट्रैक पे चलते रहे। अरे समझ लो मैम। सर आप बताओगे, जैसे एक ऐसा कपल है जिनकी फियांसे में अटका हुआ है, वो भगवान का दिया सब कुछ है, पर्सनैलिटी बस सब कुछ है, पर क्या चीज रोक रही है? मतलब आपके हिसाब से 37 साल रिलेशनशिप चलाने के लिए क्या करना चाहिए इंसान को आपके हिसाब से?
बीवी की माननी चाहिए सर, पर डर के माननी चाहिए प्यार से, प्यार से सर, कोई किसी को बोलेगी प्यार से नहीं, थप्पड़ से डर लगता है तो खुद ही हजरा हो। अरे अच्छा करो आप ये बात की। और हम बच्चे भी आपके, बेटा और बहू साथ ही बैठे हैं आगे, बेटा बहू आगे बैठे हैं, बहू आप बहू आप रुको मैम आप आप धीरे धीरे पता लगेगा कमलिकर को, आप रुको। सो आप क्या करते हैं सो? लॉयर। अरे बहुत अच्छा कपल हो सर आप। अरे आप भी लॉयर हैं मैम? आप कैदी जज साहब नहीं वकील साहब? डेंट। ओ मैम कोई बात नहीं, आपका मेरा सेम काम है, लोगों के दांत निकलवाना, तेरा सेम प्रोफेशन, डोंट वरी। हाँ सर सर बुलाइए भी सर सर। यस सर आपने हाथ खड़ा किया सर? अच्छा आपको लगा पार्क में बैठे वाली लोम विलोम की आपने? ओ सर को लगा अरदास कर दी एकदम से, माँ 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 जय सर। सर की क्लॉक चलती रहती है, ऐसे होता है। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं कल छो गया दिल्ली में, वो आजकल लोग अलार्म लगाते हैं फोन के अंदर, पता है आपको, पानी पीने का सबका अलार्म लगाते हैं। वो 7 बजे में परफॉर्म कर रहा था, बज गया, मैंने किसका है, कह रहा खाना खाने का, और उठा और चला गया। कर लगाई इसलिए कि फॉलो करना है इसको, मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप तो कल ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो लगाने की जरूरत नहीं। अरे आप बहुत प्यारे हो यार भगवान, मैं बता रहा हूँ, मैं जब भी जाऊँगा कहीं भी मुझे एग्जाम्पल देना हो पति पत्नी कैसे हो, ऐसे हो हाँ ऐसे। आप जेलस हो रहे हो ना, हर किसी को नहीं मिलता भाई, लास्ट जन्म में उसने बहुत सारे कांड किए होंगे तब ही हो रहा है उसके साथ यार। थोड़ी वाइब मिल जाए एंड टेंशन नहीं है, इन लोगों के साथ हमारे यहाँ वाइब नहीं मिलती, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ चिल करो। आपका नाम है, नाम पूछना भूल गया, हरप्रीत, ताकि मैं इनको बता दे ताकि ये घर जाए तो याद रहे हरप्रीत यार। एटलीस्ट ये अपने पत्नी पति को पत्नी तो बोल सके आपका नाम क्या है, आपका शिल्पा पाटिल, मैं हरप्रीत जैसी तो नहीं हूं ना। वरना क्या होगा ना, इनको डिसाइड करना पड़ेगा वो लड़की एक ही थी कहाँ है, हाँ बॉडी बिल्डर के साथ वो लड़की आई थी, ऐसी थी वैसी थी, समझाना पड़ेगा। अब सीधा याद है हरप्रीत, हाँ बड़ी बेकार है, हाँ यार पति बोले मैं तो देखी भी नहीं यार, ऐसी एक्ट करता है आपको, ठीक है सुन नहीं मैम सही बंदा पकड़ा, छोड़ना नहीं आपको ऐसे। अरे मजाक, मुझे मेकअप कर रहा हूँ, इससे बेस्ट कोई है ही नहीं दुनिया में। शो के बाद की रिकवरी कर रहा हूं। नहीं 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 हाँ बहुत बढ़िया, डर तो है मान रहे हो, मैंने पता कपल में तो डर नहीं देखा मैम, पर आप अच्छा कर रहे हो, आपको लगता है दिल से होता ना 7 जन्म में हरप्रीत यही पति चाहिए आपको, ऐसा फीलिंग आती है मन में, या लाइक यू आर दैट काइंड ऑफ लाइक स्कूल थॉट आपका ऐसा है, 7 जन्म इसी जन्म दी वाइब मिल दी है, नेक्स्ट जन्म दी कोई लोड नहीं, मैं बता रहा हूँ दिल लेना नहीं लेना, लोड नहीं लेना, ठीक है। इतनी पंजाबी आती है ना सारी भगती। नहीं नहीं मैम अच्छी लैंग्वेज है, हाँ प्लीज, आपको लगता है 7 जन्म यही पति चाहिए, ऐसा फीलिंग आती है आपको शिल्पा, आपको आती है फीलिंग ऐसी? वो भी एकदम संस्कारी ढूंढी आपने, स्मृति रानी ढूंढी, स्मृति रानी टिन 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 आप भी ना बिल्कुल मतलब वैसी वैसी मैं, पर क्यों क्यों चाहिए 7 जन्म आपको ये पति, मतलब व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ 7 जन्म चाहिए आपको आदमी? या प्लीज बता दीजिए कि नई लड़कियों को क्या पता, आपकी शादी नहीं हुई ना, सिखा दे रहा हूं आपको बताइए। या इसने जीन्स फटी हुई थी उसमें अपना चश्मा डाल रखा है, मल्टी लुक यूटिलिटी, कपड़े भी सुखा लो दसी बांध के, ऐसा क्या था हो गया आप? हाँ शिल्पा प्लीज जस्ट एलाबोरेट कर दीजिए, उसके बाद मैं बात नहीं करूंगा आपसे, लास्ट टाइम प्लीज। 7 जन्म क्यों चाहिए? मुझे लगता है 7 जन्म आपको सिर्फ इसलिए चाहिए कि आपने जन्म में ट्रेन कराया इसको, अब 6 जन्म आपको ROI कमानी है, कि पिछले मैं सिखाया था तुम्हारे को कैसे रहना है। शिल्पा एम आई राइट?
बस ऐसे ही मैम, आपको अपनी बहू की अच्छी क्वालिटी बताइए कोई, आप मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो आप, वो सत्संगी लोग नहीं तो दोपहर में बैठते हंसती रहते हैं खुश रहती तो मैम पागल नहीं कहते फिर उसको लोग। आप दोनों बहने हैं? Yes, yes, we are married. ये वो नहीं तो जो जिनको बच्चों से क्या बनोगे पति? Yes, अरे नहीं सर अच्छा करो आप दोनों अच्छा करो, बहुत प्यारे कपल है मैम। मैं आगे ले जाता था पर आप दोनों पति पत्नी मैम, और आपके साथ एक और कपल भी साथ में आए हो, सोसाइटी सेम सोसाइटी में रहते हो? ओ माय गॉड, छोटी बहू बड़ी बहू ऐसे बोलना था आपका, धुमता ना ना धुमता ना ना ना, आप लोग नहीं बोली हुए फिर क्या? You are not married yet. So what are you waiting for? September. Oh, winter is coming. वो आपने देवर की शादी में डांस नहीं करना, वो देवर की शादी आज क्या, वो कौन सा वो लो चली में, अरे आप तो चलिए रेडी हो ना एकदम से शादी गो गर्ल। पर आप कैसे, आपको दूसरे को क्या कहाँ मिल गया आप दूसरे को ऐसे? कॉमन फ्रेंड के थ्रू। तो अरेंज मैरिज कैसे हुई है? आपके सब में लॉ में चलता सारा काम खानदान में? सब लॉ वाला एडवोकेट ये बैठे हैं, लॉ सारा आप संभाल रहे हो, पूरे पूरे खानदान का लॉ चल रहा है, तभी कहेंगे लॉ चली मैं। नाइस सॉन्ग लॉ चली मैं, आप पे सूट कर रहा है खाना भी, सब लॉ में चल रहे सारे आप लोग यार। अरे कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट हो आप लोग यार। सर गुड टू सी यू दोनों, एक तो पहलवान जैसे लोगों क्या ही बात करूं मैं आपसे, पर आप दोनों फ्रेंड्स हैं सर, और क्या करते थोड़ा बताना चाहते हो, मुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छी पोस्ट पे तो हैं आप लोग। अरे सर डैशिंग लग रहे हैं आप। आप सर गवर्नमेंट से? मैं सर लॉयर साहब, मेरा सवाल है कैसा लग रहा है किसी को पैसे दे के सुनना? क्या हुआ पायल, व्हाट इज दिस? शिल्पा सॉरी शिल्पा, हाँ तुम्हें याद हो गया, आपको देख रहे हो, आपके पति का नाम क्या है? याद है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। और इसका अर्पित, अगर आपको राज में आज हिकअप्स आए, ही इज नॉट द ओनली रीजन। क्या नाम था आपका? देवेंद्र प्लस 50 अदर्स, जस्ट टेलिंग यू, लेकिन इट्स अ फेसबुक लैंग्वेज। क्या करते हैं आप? गर्लफ्रेंड नहीं दी मैम, आप इनके फ्रेंड हो। सेलिम इन वन डायलॉग की क्या अच्छी क्वालिटी इनके बारे में? सेलिम कितने साल से जानते हो आप इनको? सिक्स सेवंथ, सेवंथ एट्थ ईयर, तो ठीक है। तो क्या एक अच्छी क्वालिटी बता दो, नाक में उंगली डाल लेते हैं कुछ ही बताओ मुझे। सिक्स से जानते हो क्या तुम लोग बच्चे? कोई बात नहीं, टेल टेल अबाउट इज लाइक टेल हिज डर्टी सीक्रेट। घर का नाम क्या है इसका? घर का नाम विनी, ही नीड्स हिज पू, विनी द पू। ओ माय गॉड, तो क्यों स्पेसिफिक रीजन है आपको घर में पसंद था विनी? नहीं नहीं, इसके पीछे बहुत कहानी है लंबी। सिक्स सेवंथ क्लास में क्या किया था उन्होंने बताओ, एकदम पू कर दिया था क्या कहीं क्लास में? तुम बुरे लोगों, बहुत ही बेकार लोगों, छोड़ दो मैं कुछ नहीं बात कर रहा तुमसे मैं। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, मैं बताना चाहते थे कुछ आप, इज अ नाइस गाय, एनी गुड क्वालिटी, हेल्पफुल, मतलब वो तो छोड़ के आएगा आपको तो हेल्पफुल तो है वो, अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रेट क्वालिटी, हाउ ओल्ड आर यू ब्रदर? 27। गो गर्ल एनी, लाइक ही इज अ गुड, बना लेगा सर्टिफिकेट। 24.5, पेट खींच के 23, पर डिजायर के साथ 21। गोगल्स लाइक यू जस्ट 23, आई जस्ट वांट टू आस्क आपकी क्या क्वालिटी चाहिए, आपको क्या चाहिए आपको लड़के में, अच्छा क्वालिटी क्या आपके लिए? अंडरस्टैंडिंग बहुत है वो। बिनी द पू नाम का लड़का, आप किसी बच्चे से बोल लो एक लड़के का नाम, इससे बोल लो ये क्रूर लगा होता है, क्रूर लगा होता है, फिर भी देखना मतलब
नहीं कुछ नहीं बोला मैंने, सुनो। अरे आप इधर सुनो, निर्दयी निर्दयी सुनो, हरप्रीत निर्दयी, समझो हरप्रीत निर्दयी। अगर किसी लड़के का नाम बिन्नी द पू है, आपको लगेगा अंदर से, आप तो देखो, आप तो एक्सपीरियंस, आप तो पढ़े लिखे आदमी समझ सकते हो, आप तो, आप एक बंदे को झेल भी रहे हो, आप देख लो क्या आपको लगता है ये बंदा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, बिन्नी द पू। अब खुद बताओ दिल से, मैम आप तो, आपका तो इतने प्यारे बिन्नी द पू से अच्छे पति है आपका, आपको लगेगा बिन्नी द पू लड़ सकता है आपसे। ठीक है हरप्रीत, यू आर डूइंग गुड, वी ऑल लव यू, वी ऑल लव यू, समझो हम साथ हैं आपके, ये बाकी सब बेकार लोग हैं, वो अपनी किस्मत में हंस रहा है। कैसे मुझे तुम मिल गई। बुरे लोगों तुम ना, वो देखो ब्रदर, यू विल नॉट गो सेफ, यू नीड प्रोटेक्शन। मनप्रीत कैसे पटा लिया आपने इसको यार, तो सबको याद हो गया, मैं बुलाना चाह रहा हूँ ये याद, ये देखो घर जाके ये करना यार, हरप्रीत यार। आपने पेरेंट्स को बता दिया, बता दिया आपने दूसरे को, उन्होंने मना नहीं किया? सोनी कुड़ी है, पंजाबी ऐसी कहते सोनी कुड़ी, क्या बोला उन्होंने? सपोर्ट करते हैं, ठोको इन्हू। कोई बात नहीं, आप, आपकी पंजाबी चंगी है, मुझे वो टोन अच्छा लग रहा है आपका बस, तब तो आपको आती है पंजाबी? पर जिसमें आप ठुकते हो कौन सी लैंग्वेज रहती है? बस जब गुस्से में होती है मैं, मुझसे पंजाबी निकलती है। हाँ हाँ, जिसे बीती है, जिसे बीता है वही बता पाएगा। हरप्रीत, वॉट आर योर सीक्रेट वेपन्स? झाड़ू, थोड़ी आवाज आई, वो भरा बैठा है, वो गवाहियां दे रहा है, उसी एनुअल इतना ना कंट्रोल कर दो, ए रिमोट नहीं सी, ए ह्यूमन सी, यू होमो सेपियंस सी, ओके? तुम्हार बात घर का बेदी लंका धारा है, बता रहा हूँ आपको, हर बात धारा है, बता रहा है, कोई गल नहीं सी, ए ही तो गल है, तेनू गल लगती नहीं, ए गल ना। मन भी तो बड़े प्यारे हो यार भगवान, इस शो के बाद तक कुछ नहीं, कोई याद करना, शो पता नहीं, पर हरप्रीत यार